का सवाल हुआ। जवाब तो मुझे इस बात का। इसका जवाब तुम जानती हो। मुझे सिर्फ इतना बताओ, मोहब्बत करते हो मुझसे या नहीं? मुझे जवाब दो हारू। हाँ, प्यार करता हूँ तुमसे, और बहुत प्यार। तो फिर इस बात का सबूत दो। सबूत? जान दे दो अपनी तुम्हारे लिए। मार दो मलिक फारूक को। मैं जानता था तुम ऐसा कुछ जरूर करोगी, इसीलिए इसके फोन पर कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। इसे तो पता भी नहीं था। ये भी पकड़ी गई। रोज अपनी मां की बुराइयां सुनता था जो तुम फोन पे करती थी, लेकिन खून के खून पीकर चुप रहा। तुम्हारी चोरी जाने दी ताकि जिस दिन ये डाका डाले इसे पकड़ो। और पकड़ी गई। ये लो पकड़ो। जितनी गंदी तुम्हारी जबान है उतना ही साफ काम करती है, इसलिए जाने दे रहा हूं तुम्हें। जाओ जाओ यहां से। जाने में मुझसे कह दिया होता मैं खुदकुशी कर लेता तुम्हारे लिए। एक बुज़दिल बेवफा इंसान के हाथों मुझे मारने की क्या जरूरत। इतनी उसकी औकात नहीं है जितनी तुम्हारी उससे तवक्कोआत है। एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। शीरिंग को मेरा होने नहीं दिया तो उसको अपने शहजादे के पहलू में कैसे बर्दाश्त करती। एक साथ दोनों को खत्म करना चाहते और वो सब्जी काटने वाली छुरी लेकर, और वो भी ठीक से पकड़ नहीं सका। हाय, लेकिन तुमने मेरा काम आसान कर दिया। तुमने मेरे हाथ में छुरी दे दी। देखना अब मैं क्या क्या काटता हूं। क्या करना चाहिए मलिक साहब? अबे कुछ मिला कि नहीं मुझे मारने के लिए, कोई टोका वगैरह?
ऐसे तुम भी कमाल हो, बंदा कोई पिस्तौल वगैरह खरीद लेता, लेकिन छोटा आदमी हो ना इसलिए सोच भी छोटी। ऐसे बंदा जितना भी गरीब क्यों ना हो, इश्क में खर्चा जरूर करता है। अरे महबूबा की फरमाइश थी यार, पूरी करनी चाहिए थी। लानते दे रही थी तुम्हें, सारा का सारा मंसूबा खराब कर दिया। नालायक उसे, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो तुमसे करवाना क्या चाह रही? तुमने सोचा है चलो जो तुम करने आए थे वो हो जाता, मैं मर जाता, क्या होता? मैं कब्रिस्तान, तुम जेल, मजे में कौन होता? वो दोनों लड़कियां। एक काम करो, तुम बैठो 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 आओ आओ, पंजा लड़ाओ, आओ ना, ये इधर ऐसे रखो, लगाओ उसको। ना जोर, टोके का जोर है हाथों में। अब पिस्तौल खरीदने की हैसियत है तुम्हारी, फिर जिस होटल में मुलाजिम हो वहां के मालिक बनने जा रहे हो, क्या तकलीफ है तुम्हें? जिस लड़की को सारी जिंदगी मैंने बहन की नजर से देखा है, उसे मैं किसी और नजर से कैसे देख सकता हूं? मालिक साहब, आप ऐसा कर सकते होंगे मगर मैं नहीं। तुम मत देखो किसी और नजर से, आप बहन समझ के रख लो घर में, सिसक सिसक के सड़ जाएगी तुम्हारे रिश्ते की कैद में। और यही चाहता हूं, तुम बुरे फंसे हो हारून बेटा, बहुत बुरे। तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी अपनी गवाही मौजूद है, यकीन मान तुम दोनों को मारना बहुत आसान है। जाओ सोचो।